श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज रविवार का दिन है, वो भी कार्तिक मास का रविवार, और इसी रविवार के दिन छठ पूजा का पावन पर्व भी है। इसीलिए ये रविवार बहुत ही ज़्यादा खास है, और इसी दिन हम सूर्य देव को जो अर्घ देते हैं उसमें हमें तीन विशेष चीज़ों को उस अर्घ देने वाले लोटे के अंदर डालना है आज के दिन, और सूर्य देव को अर्घ देना है हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए, हमारे बच्चों के जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए, हमारे घर की खुशियों को लाने के लिए, अपने भविष्य को चमकाने के लिए। आपको मात्र तीन चीज़ों को अर्घ वाले लोटे में डालना है और आज के दिन भगवान सूर्य देव को विशेष रूप से अर्घ देना है। मात्र इतना सा आपको उपाय करना है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, छठ पूजा का पावन दिन भी है, और छठ पूजा के दिन हमें भगवान सूर्य देव को विशेष रूप से अर्घ देना चाहिए। सूर्य देव भगवान की आराधना करनी चाहिए इस दिन हमें। तो देखिए, जो लोग छठ पूजा का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो वो लोग ना आज के दिन यानी छठ पूजा वाले दिन भगवान सूर्य देव को सूर्य अस्त होने के बाद भी अर्घ देते हैं। यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो संध्या काल में भी वो सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो देखिए, जो लोग व्रत करते हैं यानी उपवास करते हैं छठ पूजा का, वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं, और जो लोग छठ पूजा का व्रत उपवास नहीं कर सकते वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सृष्टि तिथि है, छठ पूजा का पावन पर्व है, और भगवान सूर्य देव को आपको अर्घ देना है। तो देखिए, सूर्य देव को अर्घ देने से पहले आपको अर्घ देने वाले लोटे के अंदर तीन चीज़ें विशेष रूप से डालनी ही डालनी है। तो देखिए, आपको करना क्या है, स्नान आदि से निर्मित होकर के आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने। अब देखिए, हो सके तो इस दिन आप लाल रंग के या फिर पीले रंग के वस्त्रों को धारण कर लें, ठीक है। तो इसके बाद आपको अर्घ देना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, तांबे के पात्र में आपको जल भरना है, ठीक है। जल भर लिया, अब इसी के साथ आपको क्या लेना है, आपको लेना है 11 काले तिल, ठीक है। काले तिल विशेष रूप से कर्ज मुक्ति के लिए होते हैं। आपके बच्चों के जीवन में कभी भी कर्ज लेने जैसी समस्या उत्पन्न ना हो, या फिर अगर उन्होंने कर्ज ले रखा है तो वो कर्ज की समस्या जल्द ही दूर हो जाए, ऐसी कामना को करते हुए आपको, और आपको ये 11 तिल आज के दिन अर्घ देने वाले लोटे के अंदर डाल देने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए, अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा आलसी हैं, यानी कि वो अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता, किसी से बात ज़्यादा करते नहीं हैं, यानी आलसी से हैं, उनके जीवन में तेज नहीं है, तो तेज की प्राप्ति के लिए और आपके बच्चों की किस्मत चमक जाए, उनका भविष्य उज्जवल बने, उसके लिए आपको आज के दिन अर्घ देने वाले लोटे के अंदर मात्र एक गुड़ का टुकड़ा डाल लेना है, ठीक है। इसी के साथ आपको देखिए, कार्तिक का पवित्र महीना है, और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अर्घ के लोटे में मात्र एक चुटकी हल्दी का तो प्रयोग करना ही करना है, क्योंकि ये कार्तिक का पवित्र महीना है, और इस महीने में हमें हल्दी का प्रयोग भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो एक चुटकी आपको हल्दी अर्घ देने वाले लोटे के अंदर डाल लेनी है, ठीक है। तो देखिए, आपने तीन चीज़ें डाल ली, इसी के साथ आप इसमें रोली भी डाल सकते हैं, आप इसमें तुलसी जी की जो मंजरी होती है ना, उसके बीज होते हैं, वो भी आप इस अर्घ देने वाले लोटे के अंदर डाल सकते हैं। हल्दी, चंदन,
जो भी हो वो आप इस लोटे के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन ये तीन विशेष चीज़ जो हमने आपको वीडियो में बताई हैं, ये तो आपको डालनी ही डालनी है। तो देखिए, आपने अर्घ तैयार कर लिया, अब आपको क्या करना है? तो अब आपको आज के दिन भगवान सूर्य देव को इसी लोटे से अर्घ देना है। तो कैसे देना है? सबसे पहले आपको भगवान सूर्य देव को प्रणाम करना है, ठीक है? उन्हें देखना है और उनको प्रणाम करना है। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों में इस लोटे को पकड़ना है और मस्तक से ऊपर दोनों हाथों में लोटे को पकड़ के आपको भगवान सूर्य देव को आज के दिन यानी रविवार के दिन अर्घ देना है। जब आप अर्घ दोगे तब आपको ओम सूर्य देवताय नमः मंत्र का जाप करते हुए बिल्कुल पतली धारा के साथ भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है। तो देखिए, लगातार जलधारा नहीं करनी, आपको बीच में दो बार ही रुकना है। अब देखिए कैसे रुकना है, आपको 12 बार जाप करना है भगवान सूर्य देव के मंत्र का और आपको बीच में दो बार ही रुकना है। तो आप 4 बार ही पहले मंत्र बोलें, जैसे ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, 4 बार ही आपने मंत्र बोला। उसके बाद आपको जल को रोक देना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको फिर से जल अर्पित करना है और फिर आपको 4 बारी बोलना है ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, 4 बारी फिर से बोल दिया, फिर रुक जाना है आपको, ठीक है? फिर आपको अंत में पूरा एक लोटा जल, मतलब जितना शेष रह गया लोटे के अंदर, वो आपको चढ़ाना है और आपको ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको पूरा एक लोटा जल आज के दिन भगवान सूर्य देव को यानी छठ के पावन पर्व वाले दिन भगवान सूर्य देव को, देखिए इस प्रकार से आपको आज के दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान सूर्य देव को आपको निहारना है पहले अच्छे से। जो सूर्य देव का जो आज के दिन प्रकाश पड़ेगा ना, तो उससे हमारे शरीर में जो रोग होते हैं ना, उनका क्षय होता है, ठीक है ना? आपको सूर्य देव को निहारना है, उन्हें प्रणाम करना है और फिर आपको वहीं पर जहाँ पर आपने अर्घ दिया है वहीं पर आपको 7 बार ही भगवान सूर्य देव को आपको परिक्रमा देनी है, यानी कि घूम जाना है आपको 7 बार ही वहीं पे जहाँ पे आप खड़े हैं, और इस प्रकार से आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है, परिक्रमा देना है और उनके मंत्रों का जाप करना है। और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय आज के दिन करना है। देखिए, काले तिल जो होते हैं आपके जीवन में, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज हुआ ना, कोई भी कर्ज की समस्या होगी, तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। हल्दी जो है वो आपके भाग्य को चमकाती है, आपके जो भविष्य है उसे उज्जवल बनाती है। और देखिए, जो गुड़ है वो आपकी भाग्य को चमकाता है, आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलता है। और जो हल्दी है वो तेज की वृद्धि करती है, इसीलिए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है आज के दिन, विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने के लिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो आप सभी को जरूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।